रिजवान अस्सलाम वालेकुम। एक किलो तोलना। देसी नहीं है? नहीं देसी नहीं। अच्छा मीडियम काटना। भाईजान का सुना बहुत बुरा लगा। डेढ़ सौ रुपये। अरे इतना महंगा कब से हो गया चिकन? कब से हो गया आपा? हाँ अब कितने और देने? लो इसको खा के तो देखिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है। नहीं हमें तो लग रहा है कि सोने के अंडे देगी तुम्हारी मुर्गी। चलो खुदा हाफिज। हाँ वालेकुम सलाम। क्या कर सकते हैं, जब होना था सब हो गया। जैसे अल्लाह की मर्जी। हाँ अब सबर, सबर के अलावा क्या है। रोज़ कोफ्ते बनाने के लिए सब? आपा इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, भाईजान भी नहीं रहे ना। हाँ लेकिन आप रोज़ ऐसे खाना बना के ले आती हैं, वेस्ट जाता है ना आपा। मैं खाना पका तो लेती हूँ ना। ऐसे थोड़ी चलेगा, खा लीजिएगा, शाम को कुछ और बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, चलती हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इज दिस मिसेस इंस्पेक्टर मुनीर शेख? जी कौन? हाँ वो मैं मुंबई दिल्ली से बोल रही हूँ, वी आर अराउंड। ओह आप लोग, आप लोग तो बड़े जल्दी आ गए, आप लोग तो दो बजे आने वाले थे ना। असल में हम बाहर ही हैं तो मैंने सोचा प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अच्छा बाहर? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ घर पर, आप लोग आइए आइए, बस दरगाह के सामने। हाँ मैं आती हूँ बाहर। हाँ हाँ
आइए ना, आइए आइए। छब्बीस ग्यारह का घाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें सभी अफसरों पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए। आप लोग मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? आबिदा जी, आई वांट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2611 विक्टिम्स, और मुनीर सर जैसे लोगों को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जी, युवा पीढ़ी का दिल मार्च करने लगा रही है। इतनी आवाज है। हमारे कवि ने इस बारे में चंद ही लफ्जों में अपने भाव प्रकट करते हुए कहा। आबिदा, क्या इतना जोर से ऐसोगी? पड़ोसी क्या समझेंगे? दिन भर बकवास देखने में लगी रहती है। उठो वहां से, जाओ तेल लेके आओ, बहुत दिनों से सर की मालिश नहीं हुई है। जाओ। बस करो, मैं जा रहा हूं आराम करने। टीवी का आवाज तेज मत रखना। आबिदा जी, कितना टाइम लगेगा? अभी आप ही के लिए बना रही हूँ, पकाने की क्या जरूरत थी? अब पकाना तो था ना, आप लोग ही जल्दी आ गए तो। सिड, जी पूछिए, आप क्या कहना चाह रही थी? तो आबिदा जी, पहले तो थैंक यू दैट यू अग्रीड टू गिव दिस इंटरव्यू। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप कोप कैसे कर रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। अब अल्लाह मियाँ कभी किसी को देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, कुछ लेंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, आप वो कुछ आजमाइश के बारे में बता रही थी। मैंने असल में अभी खाना तो तैयार है नहीं, लेकिन हमारी पड़ोसी है ना, उसका वो उसने कुछ भेजा है। वो हम तो आपके खाने के लिए वेट करेंगे। आप देखिए, पिज़्ज़ा वीज़ा तो मैंने बनाया नहीं है, बस सादी सी एक मुर्गी बनाई है मैंने तो। जी 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 जी, मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपके पति की डेथ के बाद आपकी लाइफ किस तरीके से बदल गई? अरे भाई, कितना वक्त हो गया, मेरे कमीज का क्या हुआ? भाई दो दिन में पक्का भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है, वैसे काम वाम कैसा चल रहा है? देखरेख भाई साहब, कारोबार तो अच्छा चल रहा है। अब पिछले हफ्ते कलकत्ता से नया ऑर्डर आया है, इसलिए थोड़ा बिजी रहता। आपके भाभी ने कह दिया
कोई शादी वादी अटेंड नहीं करूँगी जब तक नए कपड़े ना ले लूँ। वो तो भाभी जी बहुत अच्छा करती हैं, इस बहाने मुलाकात तो हो जाती है। अब कपड़े खरीदने की भी तो लिमिट होती है, जो भी रंग है बता देना भाभी को। हाँ भाभी जी और भी कलर्स हैं। अरे शंकर वो कल वाला कटारा दिखा देना, इतना लाल किसको दिखाना है, कोई दूसरा चुन लो। अरे भाई साहब एक तरह से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी और पहन के निकल जाती हूँ। ओ लगता है खाना तैयार है, बस मैं अभी खाना लगा देती हूँ। हाँ बस 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 खाइए ना। थैंक यू। सिद्धार्थ वाकई बहुत अच्छा बनाया खाना। अच्छा लगा? बस अब एक ही चीज का शौक रह गया है, पकाते जाओ खिलाते जाओ। अब्बू ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, शादी करा दी मेरी, और मुनीर तो वो तो मुझे किसी मर्द से बात भी नहीं करने देता। ये खाओगे? थोड़ा सा। पता नहीं कैसे कोफ्ते बनाती है वो। आंटी चिकन तो बहुत अच्छा है। अच्छा जरा और एक और नान देना। हाँ। आपा कुछ कपड़े बैग में डाल के आ जाओ ना प्लीज। रशीदा मैं अपने घर में हूँ ठीक हूँ। पर आपा आपा अम्मी भी राह देख रही है आपा। हाँ तो बोलो ना अम्मी को, ऐसा समझाओ उनको। नहीं आपा मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, खामखा अकेले रहने का क्या मतलब होता है? खामखा का क्या मतलब? हाँ आपा आप समझ नहीं रहे हो, हम लोग परेशान। अच्छा, अच्छा सुनो मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मेहमान में तुमसे बात करती हूं। अच्छा कौन आया है आपा? खुदा हाफिज़। हेलो आपा। ओके खा लिया? तो आबिदा जी जब आपने मुनीर सर के बारे में सुना तब आपका पहला रिएक्शन क्या था? वो अपने काम के बारे में मुझे कभी कुछ बताते नहीं थे, अक्सर शाम में लेट आया करते थे, मतलब वो इमरजेंसी ड्यूटी होती थी ना इस वजह से। उस रात मैं तो ऐसे ही सीरियल देख के सो गई थी, सुबह में जब शेखर भाई और ज्योति भाभी आए तब पता चला। तो ऐसे वक्त में कभी आपको ऐसा लगा कि आपके मुसलमान होने की वजह से कुछ? मुसलमान होने की वजह से क्या? वो मैं बताना भूल गया, वो राजेश है ना उसका नागपुर तबादला हो गया। अभी कुछ मैंने पहले ही तो हुआ था। अब क्या मालूम, किसी को कुछ पता नहीं होता। पान भाई मेहमान को तो पहले दो, बेचारे ने सिर्फ भिंडी खाया है। लेकिन आपने कहा था कि मुर्गी बनाओ तो अभी दो। भाभी पपरची की बात रहा है, भाभी को मालूम है मेरा सैटरडे है, मेरी स्पेशल भिंडी बनाई भाभी ने। कहानियों को अपने पास रखो और खाते रहो भिंडी।
मैं कल आऊंगा, भाभी रखना एक डब्बे में मेरे लिए, कल संडे है ना भाभी, एक इलायची। हाँ हाँ कर रही हूँ। ओ हाँ हाँ ठीक है करती हूँ। हाँ जी, वो कुछ फोटोज लेने थे आपके आर्टिकल के लिए। ठीक है, हाथ धोकर आ रहे हैं। ठीक है। ऐसे? हाँ। लापरवाही की भी खबीज कहीं के दांत घसते नहीं है कि शुरू हो जाते हैं इन लोगों के कांच तोड़ना। रोज का नाटक है, रोज का नाटक इन लोगों का। पता नहीं किस तरह के माँ बाप है, स्कूल भेजने के बजाय लोगों के कांच तोड़ने के लिए भेज देते हैं। अल्लाह मेरे सर में दर्द हो गया, चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती हूँ मैं। रोज का है इन लोगों का। आपको पता है जब मुनीर थे ना, भीगी बिल्ली बनते थे इन लोगों के सामने। उनकी मर्दांगी से पुलिस फोर्स में चलती थी या फिर। मैं बहुत सांस फूल रही है मेरी, आप लोगों को और कोई सवाल पूछने तो पूछ लीजिए जल्दी। आप एक मिनट बस आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ आबिदा जी, आप बस एक पानी। सर में दर्द हो गया मेरे। हेलो मम्मा। क्या मम्मा? मम्मा तू अपना ख्याल रखता है कि नहीं? शाम होने को आई है और तेरा कोई ठिकाना तक नहीं है। मम्मा काम कर रहा हूँ ना। काम? तेरा ये काम मैं छुड़वा के रहूंगी, समझा? कैसा सूखता जा रहा बेटा तू, कब आ रहा है तू घर? मम्मा रात को आ रहा हूँ, खाना खा के आऊंगा। अच्छा सुन, तेरे लिए खिचड़ी आलू बना लिया है। अच्छा तो फ्रिज में रख दो। हाँ ठीक है बेटा। ओके बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय। आजा आजा आजा। ठीक है आप? हाँ 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 ठीक है। अल्लाह इतना परेशान करते हैं ना ये बच्चे, रोज का है हमारे यहाँ तो, चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती हूँ मैं सच्ची। तुम लोग कुछ खाओगे पियोगे? नहीं नहीं। अल्लाह आबिदा जी। हाँ हाँ इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे यहाँ तो लाइट जाती रहती है। अच्छा। चलो बैठक पे बैठते हैं, आओ इस तरफ आ जाओ। ठीक है आओ। हाँ। संभाल के। हाँ तो लाइट आएगी कब? अरे आ जाएगी। सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रिमेम्बर द मोस्ट अबाउट मिस्टर शेख? मुनीर बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते थे कि अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं रात को दफन हो गई हूँ और सुबह में मुझे कोई कब्र से उठा लेता है। सुनिए आप लोग चाय पियेंगे? हम जरूर लेते पर ये लाइट का सिलसिला है तो आप रहने दीजिए। तो क्या हुआ, लाइट तो ऐसे जाती ही रहती है।
मुझे तो आदत है, मैं तो हजारों दफा ऐसे चाय बना चुकी हूं। नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम कुछ देर में निकलने ही वाले थे यहाँ से। नहीं तो चाय पी के जाइए। नहीं आप तकलीफ मत लीजिए। नहीं तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, मैं भी बना के लाती हूँ ना चाय। रुकिए रुकिए मैं बनाती हूँ। आबिदा जी, अरे रहने दीजिए आबिदा जी। हेलो। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? शेखर भाई। हाँ भाभी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाभी ज्योति ने भी प्रणाम किया। ज्योति को मेरी तरफ से भी सलाम कह देना। जी भाभी। भाभी मैंने फोन दरअसल इसलिए किया, आप घर पे ही हैं ना? एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। हाँ हाँ बोलिए। हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ थोड़ा। हाँ हाँ आ जाइए। एक मिनट शेखर भाई, ये हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी भाभी। वो क्या है कि थोड़ा आपके घर पे आके देख लेना है, क्या इतना बड़ा कांड हुआ है आप तो जानती हैं भाभी। वो समझ गई, आप लोगों को मुनीर शेख के घर की तलाशी लेनी है ना? ऐसा नहीं है भाभी, आप उधर रुको, मैं आता हूँ। मैं पर्सनली आपको मैं हूं ना वहां पे, मैं संभाल।